बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है बदलते मौसम में जो बर्ड जो है हरे रंग की बीड़ करता है, फूल के बैठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और रंग बिरंगी मोशन जो करता है बीट, यानी कि हरे रंग की भी हो जाती है, पतली भी हो जाती है, पानी वाली भी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला आज की मेरी टॉपिक इसी पर है कि बर्ड जो है बदलते मौसम में हरे रंग के क्यों करता है और इंशाल्लाह ताला क्या इत्यादि तदबीर है। साथ साथ जो जो मैं चीज़ करता हूँ आप जैसे बहन भाई दोस्तों को मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देखें, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कारामद साबित होगी। हर वीडियो पे ऑफर होती है कि आप अगर अपने शर्ट का विजिट करवाना चाहते हैं तो लाइक भाई आपका हाजिर है। शर्ट विजिट करने का आपको क्या फ़ायदा है और लाइक खान को क्या फ़ायदा? मुझे भाई कोई फ़ायदा नहीं, ना मैंने आपसे कोई चूरन मंजन लेना है, ना मैंने आपको अपना चूरन मंजन बेचना है। आपका ये फ़ायदा, हाँ आपके पास ब्रीड आ रही है, ठीक है, आप सबसे पहले आपका ब्रीड खुदा ना खासा नहीं आ रही। न्यू फेंसर को अक्सर मसाइल का हाथ होता है कि उसके बाद ब्रीड नहीं आती, तो जाके पता लगता है कि यार ये गलती कर रहा है, जो जो गलती मैंने कर ली है, जो जो लाइखा ने कर ली है, जो जो न्यू फेंसरों ने गलती है कर ली है। अब वो न्यू फेंसर वो गलती ना करे, सबसे पहले हम उससे उसको आगाही देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं ये करें, और अगर ठीक होगा उसके बाद उसको ब्रीड आ जाए तो न्यू फेंसर के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि बर्ड्स कहाँ बेचें, ब्रीड कहाँ बेचें। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपका नंबर मैं सोशल मीडिया पर दे देता हूँ, आप सोशल मीडिया पर इन हो जाते हैं, लोग आपको खुद ही कॉल करते हैं, घर बैठ के आपकी चीज़ ले जाते हैं, बजाय आप किसी ब्रोकर के तरले लेते हैं या दुकानदार के तरले लेते हैं, भाई मेरी चीज़ बेच दो, और वो कूड़ियों को बाहर लेते हैं और महंगी दामों बेचते हैं। आप ट्रक बेचें, आपके घर जब बर्ड्स खरीदने कोई आएगा वो दिल की अपनी खुशी होती है, बजाय कि आप किसी ब्रोकर को या दुकानदार को दें सस्ते दामों में, क्यों दें आप? देखें आप इतनी मेहनत करें, सब कुछ करें और सिला वो लोग लेके जाएं, नहीं। इंशाल्लाह ताला अगर आप शर्ट का विजिट करवाना चाहते हैं लाइक खान को 0300 410 1158 आप अपने सेटअप का विजिट करवा सकते हैं फ्री फी सबीलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय और आपकी मुस्कुराहट। मेरी जितनी वीडियो होती है आप जैसे न्यू फेंसर के लिए होती है, ब्रीडर तो माशाल्लाह हजरात ब्रीडर जो होते हैं उनको तो सारा आइडिया होता है, सब कुछ पता होता है। न्यू फेंसर मेरी वीडियो देखा करें, आगे दोस्तों को शेयर किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला जिनको फ़ायदा होगा उनकी बदौलत इंशाल्लाह ताला आपको उसका अजर भी मिलेगा। बदलते मौसम में अक्सर खुराक की कमी पेशी की वजह से पोटा जाम हो जाता है बर्ड्स का, खास तौर बहुत ज़्यादा जो होता है गंद खाते हैं तो उसकी वजह से हरे रंग की बिट करते हैं, मोशन कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, फूल के बैठ जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या वजह है। इलाज से बेहतर पहले होता है कि परहेज़, इलाज तो बाद में बंदा करवा लेता है लेकिन उसके लिए इत्यादि तदबीर होती है, परहेज़ होता है। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है कि इंशाल्लाह ताला इसमें इत्यादि तदबीर क्या दें, कैसे करें और कैसे कैसे इन चीज़ों से बच सके। बर्ड्स के जितने भी पेड़ के जरासीम हैं, पेड़ के कीड़े हैं, बर्ड्स को चर्बी हो जाए, बर्ड्स आपके बर्ड्स के सांस का मसला हो जाए, तो ये माशाल्लाह छोटी सी चीज़ है माशाल्लाह और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। सांस की नालियों को ये साफ़ करता है, पेड़ की अंदरियों को धोता है, उसको साफ, पेड़ की अंदरियों में कोई मसला आ जाए, कोई मैदे में कोई मसला आ जाए, बदहजमी हो जाए, तो उनके लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आते हैं अपने टॉपिक पर, माशाल्लाह ये है सेब का सिरका, एप्पल का सिरका, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जितने बड़े ब्रीडर होंगे, जितने पुराने ब्रीडर होंगे, जितना भी न्यू फेंसर होगा, जिसको कोई इलम होगा वो ये चीज़ लाजमी यूज़ करवाएगा और उसके शेड में लाजमी होगा, आपको चाहे किसी ने बताया या नहीं बताया। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में इसकी सारी मालूमात आपको बता दी है, पेड़ की आंतरियों के लिए जरासीम हो जाए पेड़ में, कोई कीड़े मकोड़े हो जाए, सांस की नाली को साफ़ करता है, बर्ड के सांस का मसला आ जाए, हरे रंग की बिट करे, खाना पीना छोड़ दे, क्योंकि मैदा जब ख़राब होता है निज़ाम हाजमा ख़राब होता है, जब सांस चढ़ता है तो ना ब्रीड आती है ना बर्ड्स होता है, बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं और बड़े पीस भी बीमार होते हैं, बच्चों को हैंड फीड नहीं करवा सकते, फीड नहीं करवा सकते, वो पीस एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनका मैं तरीका इस्तेमाल आपको बताता हूँ कि इसके तीन तरह के तरीका इस्तेमाल हैं, ठीक है, आप तीन तरीके से इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। एक तो आप रेगुलर यूज़ करवा सकते हैं इसको, बर्ड्स को रेगुलर भी दे सकते हैं, नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद हफ्ते में आप तीन बार भी यूज़ करवा सकते हैं, उसका भी तरीका इस्तेमाल कुछ और है। इसी तरह हफ्ते में आप एक बार भी यूज़ करवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते में एक बार यूज़ करवा लें तो वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तरीका इस्तेमाल किया है, रात को आपने पानी निकाल लेना है, चाहे सर्दी है गर्मी है जो भी है, बर्ड्स का पानी आपने निकालना है, जावा है डब है लबड़ है कोई भी है, आपने इसका पानी निकाल लेना है। सुबह आपने ताज़ा नीम गर्म पानी देना है, उसमें से अगर आप रोज़ाना यूज़ करवाना है तो एक लीटर में एक ग्राम, ठीक है, एक लीटर में ये एक ग्राम डलेगा, एक ml लगा लें, ग्राम सॉरी ml लगा लें, एक ml डलेगा, पाँच लीटर पानी लग रहा है तो आपका एक ढक्कन लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप हफ्ते में तीन बार यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप उसको एक लीटर में 2 ml डाल सकते हैं, 2 से 2.5 ml डालें,
ठीक है, और हफ्ते में जब यूज करवाते हैं, मैं हफ्ते में यूज करवाता हूँ, बताते हैं खुद, वो हफ्ते में एक लीटर में 5 ml एक ढक्कन डालता हूँ, मेरा 4 लीटर पानी लगता है उसमें से मैं 4 ढक्कन डालता हूँ। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल है, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। हरे रंग की ब्रीड कर रहा है, ये आपका बर्ड फूल के बैठ रहा है, सांस का मसला है, उसको चर्बी हो गई है, या चर्बी जिसको हो गई है या चर्बी से भी रोकता है, अगर आपके बर्ड को चर्बी नहीं हुई तो उसको चर्बी को रोकता है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों को, जो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करवाऊँगा डब के लिहाज से, जावा के लिहाज से, दाना भी चेंज करूँगा अब इंशाल्लाह ताला, सो फूड भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, साथ साथ सेटअप का विज़िट करवाना चाहते हैं अपने भाई लाई खान को आप बुलवा सकते हैं, सेटअप का मैंने जैसे आपको बता दिया। आपका फ़ायदा इसमें ये है कि आप अपने बर्ड्स जो अपने घर में बेच सकते हैं, आपके घर लोग आके बर्ड्स खरीदेंगे फ़ोन करके, आपको आपको किसी को फ़ोन करने की तरले की ज़रूरत नहीं, मेहनत आप करें, फ़ायदा कोई और उठाए, वो दौर ख़त्म हो गया अब इंशाल्लाह ताला। कोई आपके पास ब्रीड नहीं आ रही, कोई मसला हो रहा है, तो जितना मेरे पास इलम होगा, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा फनकार हूँ या बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा हूँ, कोई ऐसी नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करवाता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा, सीधी सी वीडियो होती है, सादी सी वीडियो होती है, मुझे घुमा शुमा के या इंग्लिश में या घुमा शुमा के कोई ऐसी बात करने की मुझे ना ज़रूरत है, ना आती है, ना मैंने करनी है, मुझे सिर्फ न्यू फैंसर के साथ यही लालच होती है कि उनका भला हो जाए। बस दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।